नमस्ते। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपनी आईज़ को नेचुरली हेल्दी कैसे रख सकते हैं, योगा का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं अपनी आईज़ को हेल्दी रखने में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह का फूड हम लें, किस तरह अपनी डाइट में कुछ नॉमिनल से चेंजेस हम करें कि हमारी जो आईज़ है, हमारे जो चश्मे का नंबर है, अगर वो बहुत ज़्यादा है वो कैसे कम होना शुरू हो जाए, या फिर अगर आईज़ में थोड़ी सी भी कोई भी इफ़ेक्ट है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं नेचुरल वे में, सिर्फ एक डाइट में चेंजेस करने के तरीके से। विटामिन ए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब बात आती है हमारी आँखों की। किस तरह विटामिन ए हमें जो है वो अपने फूड में कंज्यूम करना है, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप और जानकारी हमसे लेते रहें अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, योगा के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं विटामिन ए हमें किस किस तरह के सोर्सेज से मिल सकता है। सबसे पहले जब विटामिन ए और आइस की बात आती है तो सबसे पहली खाने की चीज़ जो हम सबके दिमाग में आती है वो है कैरेट, यानी कि गाजर। अब सर्दियों का समय है, विंटर चल रहे हैं, तो गाजर का जो कंज्यूम है वो आपने डेली करना ही करना है। किसी भी रूप में आप गाजर को ले सकते हैं, जूस के जरिए या फिर रो एज अ सैलेड के जरिए भी आप उसे ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग और फिश ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन ए के लिए। जो हम वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बीटरूट है, कैरेट की हमने बात कही, दही एक बहुत अच्छा जरिया है विटामिन ए लेने का, और हम कहें कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी आप खाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके आईज़ के लिए। तो ये बात हमने की विटामिन ए हम किन किन तरह के सोर्सेज से ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो आएगी आज की इस वीडियो में वो है प्राणायाम। आज मैं आपको दो तरह के प्राणायाम बताऊंगी जिससे आप अपनी आईज़ को नेचुरली हेल्दी रख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे नेचुरल वे में विदाउट एनी मेडिसिन ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम है उसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करना बहुत ही आसान है, किसी भी स्थिति में आरामदायक स्थिति में बैठे सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन या फिर वज्रासन, अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को इस तरह बंद करेंगे, पहली दो उंगलियों से आँखों को, आपके रिंग फिंगर से नोज को और लिटिल फिंगर से आपके माउथ को बंद करेंगे। अपनी नोज को ओपन करें, अलॉन्ग डीप ब्रेथ इन, नाक बंद करें और हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरह। फिर से नाक को खोलें और सांस अंदर भरें। अगेन ब्रीद इन, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 rounds आंखें बंद ही रखते हुए दोनों हाथों को नीचे रख लें, 5 से 10 seconds का विश्राम लेते हुए गर्दन नीचे करें, जमीन की ओर देखते देखते अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है। ये था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम अपने 7 द्वार बंद करते हैं। वो 7 द्वार कौन से होते हैं? आपके 2 कान, 2 आंखें, दोनों नासाग्र छिद्र और 1 मुंह। आप जब इन 7 चीज़ों को बंद कर देते हैं और हमिंग साउंड, जैसे कि मधुमक्खी आपके कान के पास भिनभिना रही है, उसे हमिंग साउंड कहा जाता है, जब आप हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी जो फेस है वहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशंस आपकी आईज़ को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। सेकेंड प्राणायाम जिसकी हम आज बात करेंगे वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में इस तरह रहेगा, राइट हैंड से हम नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे। नासिकाग्र मुद्रा किस तरह बनाई जाती है? पहली 2 उंगलियाँ इस तरह खड़ी हुई आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में, जो आपका थंब है वो रहेगा राइट नॉस्ट्रल पे, जो रिंग फिंगर है वो रहेगी लेफ्ट नॉस्ट्रल पे, लिटिल फिंगर फ्री रहेगी, ये आपकी नासिकाग्र मुद्रा है। नासिकाग्र मुद्रा धारण करें, कमर गर्दन एकदम सीधी, आँखें बंद, अलॉन्ग डीप ब्रेथ इन विद बोथ नॉस्ट्रल्स, Now close your right nostril and breathe out through your left. Close your left nostril. सांस को रोकें. फिर से लेफ्ट नाक से सांस अंदर. दोनों नाक बंद, सांस को रोकें. राइट नाक को खोलें, राइट नाक से सांस बाहर. राइट नाक बंद, रोकें. राइट नाक से सांस अंदर. दोनों नाक बंद, सांस को अंदर ही रोकें,
लेफ्ट नाक को खोलें, सांस बाहर। ये हुआ हमारा एक राउंड जिसमें हमने दोनों नाक से सांस अंदर ली, लेफ्ट से छोड़ी, फिर लेफ्ट से ली, रोकी, राइट से छोड़ी, राइट से ली, रोकी और लेफ्ट से छोड़ी। ये हमारा एक राउंड हो गया। ऐसे आपको मिनिमम 5 राउंड से स्टार्ट करना है, जिसके लिए आपको 2 से 2.5 मिनट का समय लगेगा। भ्रामरी प्राणायाम को 3 बार करने के बाद नासी जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसे 5 बार करेंगे। उसके बाद आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जब भी आंखें खोलें प्राणायाम के बाद तो पामिंग जरूर करें। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि पामिंग किस तरह की जाती है। दोनों हाथों को मस लें और उन्हें आंखों पर लगाएं। कमर गर्दन एकदम सीधी रखते हुए। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि विटामिन ए किन किन सोर्सेज से मिलेगा, वो किस तरह हमारी आंखों को स्वस्थ रखेगा, और नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम किस तरह हम कर सकते हैं अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।